देखिए, इस विषय पर आप सबको जानकारी होगी कि भारत के अंदर जब संविधान सभा 1947 में गठित हुई और 50 में उसने एक संविधान लिखा, आपको मालूम है उस संविधान सभा में 70% से ज़्यादा सदस्य संवर्ण रही थी। उन लोगों ने देश में दलितों को, पिछड़ों को आगे लाने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए ताकि देश में सबकी गैर बराबरी दूर हो, सामान्य वर्ग के लोग समाज में सबको अवसर मिले, इसके लिए खुद आगे आए। यह जो वर्तमान में प्रसंग उठा है, सामान्य जाति के लोग जागरूक हैं, इस कठिनाई का समाधान निकाल लेंगे। यह समस्या कहीं भी समस्या के रूप में आगे आड़े नहीं आई। अच्छा जी, अच्छा, सवर्णों के लिए कठिन दौर माना जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी से मोह भंग की भी आशंका जताई जा रही है। 2019 का चुनाव आ गया है और ऐसे में ये फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, और कहीं ना कहीं सरकार ने कोई नया फैसला नहीं लिया है, पहले से ये प्रावधान है। उस विषय पर जो निर्णय आए हैं, उस निर्णय पर मैंने कहा ना कि अगर कोई उसमें कठिनाई है तो सामान्य वर्ग जागरूक है। दलित पिछड़ों को आगे लाने का काम सामान्य वर्ग ने ही किया, उसी ने संविधान में दलितों को आरक्षण और उनके सुरक्षा के प्रावधान, उसी ने पिछड़ा वर्ग के लिए कमीशन बने, उसी ने मंडल कमीशन की रचना की, तो वो इस समस्या का भी समाधान कर लेगा। उसे इसी अर्थों में समाज हित में लेने की जरूरत है, किसी तनाव की जरूरत नहीं है, सब समाधान हो जाएगा।